सुप्रभात दगड़ियाओं, आई होप दोस्तों सब स्वस्थ वाला मस्त वाला एक नया सवेरा और पूरा दिन आपके साथ। सो दोस्तों मॉर्निंग में सब सो रहे हैं आजकल ना, कब सो रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं। एक तो वैकेशन भी पड़ी हैं, छुट्टियां भी पड़ी हैं मेरे छोटे वाले बेटे की, बड़ा वाला तो 12th कर चुका है, सो उसका अपना चलता है। लेकिन आजकल ना थोड़ा रिलैक्स है कि कम से कम स्कूल टाइमिंग नहीं है। मैं तो काफ़ी रिलैक्स हूँ, सभी हाउसवाइफ आजकल रिलैक्स होंगे इस बात से कि मॉर्निंग में मतलब बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक स्कूल की जो जिम्मेदारी होती है ना वो अलग ही होती है। तो मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ, बाकी सब सो रहे हैं अभी। तो मैं चाय बना रही हूँ अपने रेंट के घर पे, पहली चाय मेरी। तो आज मैंने फुर्सत से चाय बनाई क्योंकि इतने दिनों से जो भागा दौड़ी थी ना, जो सामान पैक करना है, जाना है जाना है होता है ना, उससे आज थोड़ा मैं रिलैक्स होके चाय पी रही हूँ। और अभी ना मैंने दूध भी नहीं लगाया, यहाँ बहुत सारे अरेंजमेंट करने हैं अभी दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाते हैं क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि एक दिन में बहुत सारे काम होते हैं, समय इतना नहीं होता है। लेकिन तभी भी हमारी कोशिश रहती है क्योंकि हम लोग फौजी फैमिली से हैं, हमारी छुट्टियाँ ही बहुत कम होती हैं हस्बैंड लोगों की, क्योंकि मेरे हस्बैंड आउट ऑफ रहते हैं, मुझे यहाँ रहना है, तो छुट्टियाँ कम पड़ जाती हैं और काम बहुत ज़्यादा। साल भर के सारे काम कहाँ इतनी कम छुट्टियों में करे जा सकते हैं, तो बस जो भी है हम लोगों को सब निपटाना होता है। तो आज मैं बना रही पहली बार चाय रेंटेड किचन। और घर चाहे रेंट का हो चाहे अपना हो, घर तो घर होता है, परिवार ही उसे घर बनाता है। सारे इमोशंस, हैप्पीनेस, सैडनेस सब जब एक दूसरे के साथ मिलकर हम एक घर में बिताते हैं तो घर बन जाता है। और घर की देखरेख हमारा कर्तव्य बनता है कि उसकी पूरी देखरेख करें, चाहे वो रेंट का है चाहे वो अपना है। सो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है ये। और लाइफ में हमको हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अपने काम अपने आप करने चाहिए, जैसे कि हम लोग करते हैं हस्बैंड के जाने पे, क्योंकि फौजी छुट्टियाँ कितनी होती हैं। और जिनके आउट ऑफ रहते हैं हस्बैंड, उन वाइफ्स को पता होगा कि कितनी जिम्मेदारियाँ, कितनी भागा दौड़ी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, घर गृहस्थी के लिए करना पड़ता है, तो ये हम ही जानते हैं। तो मैं पूरा इंडिपेंडेंटली अपना काम करती हूँ और किसी पर डिपेंड रहना कम पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड को भी उठाया, मैं उनको उठा नहीं रही थी पहले, क्योंकि होता है ना इतना मुझसे ज़्यादा काम वो कर रहे हैं, थकान हो रही है, तो सुबह उनका इतना काम नहीं था क्योंकि मुझे ही काम करने होते हैं। लेकिन उनको भी और मुझे भी मॉर्निंग वॉक करने की आदत है, और कार्तिकी को भी, मेरे बड़े बेटे को इतना क्रेज़ नहीं रहता है, तो हम सबको बहुत शौक है। और यहाँ देहरादून हम आए हैं तो एक आर्मी स्कूल है और एक स्पोर्ट्स का यहाँ अच्छा है, तो आज तो हम गए नहीं क्योंकि आज दूसरा दिन है। तो बस मैं घर के काम ही कर रही थी तब तक मेरी मकान मालकिन जी आई ऊपर से, तो उन्होंने कहा पानी भर लीजिए, तो वो बोरी का पानी होता है ना आजकल, तो यहाँ देहरादून में ज़्यादा वही लगा रखा है, तो वही लगा रहे थे मोटर, तो मैंने कहा ठीक है मैं पानी भर लेती हूँ। फिर मैंने पानी भरा और अभी सब्जी भी कुछ नहीं लेके आए थे हम लोग, तो यही आलू प्याज थे जो मैं वहीं से लेके आई हुई थी, तो ये मैंने बनाए आलू प्याज की सब्जी, सबसे बेस्ट और सबसे स्वादिष्ट। और साथ साथ में मैं दाल भी चढ़ा रही हूँ दोपहर के लिए राजमा की, और ये भट होते हैं ना इसको भी मैं साथ में मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि समय की बचत भी हो जाती है और किचन में ये काम एक साथ निपट जाए तो और कामों को करने का भी मौका मिल जाता है। फिर मतलब किचन में आना पड़ता है स्पेशल ना दाल वाल के लिए, तो इसमें समय की बचत भी हो जाती है। तो मैं दाल अभी भिगाने के लिए रख रही हूँ, बाद में इसको उबालने के लिए रखूँगी, मतलब गर्म पानी में, गुनगुने पानी में इसको भिगा दूँगी अभी थोड़ी देर के लिए। तो मेरे हस्बैंड को भी मैं आज उठा नहीं रही थी, लेकिन वही मोटर का चक्कर हो गया था, तो फिर उनको भी उठाना पड़ा क्योंकि मुझसे ज़्यादा काम तो वही कर रहे हैं। तो मैंने कहा मॉर्निंग में आज सोने दे दे, क्योंकि आज हम मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं गए क्योंकि अभी दूसरा ही दिन था हमारा, तो सामान ही अनलोड कर रहे हैं अभी, तो जो पैक हो रखा था ना वहाँ वही देख रहे हैं कि कौन कहाँ है, कैसे रखना है। अभी तो अच्छे से रखा नहीं है, मतलब जो जो चीज़ जहाँ की है बस वहीं रख रहे हैं। और अभी इस किचन में भी काम होना है, अभी ऑनर बाहर है, इसके मकान मालिक जो जेंट्स है तो वो बाहर हैं, अभी आएंगे तो वो ये किचन में रैक्स लगाएंगे नीचे की, तो अभी मैं ना इसी में डबल माइंड हो रखी हूँ कि सामान रखूँ कि ना रखूँ, लेकिन हाल फिलहाल के लिए मैंने रख दिया है सामान। और सब्जी भी बन रही है और साथ साथ में मेरे और भी काम चल रहे हैं।
तो नाश्ते के साथ चुटुर पुटुर काम चल रहे थे, तब तक चाचा जी भी आ गए थे, तो पहले उनके लिए फटाफट से जूस बनाया, उनको दिया। और अभी ना गाय का जो खाना होता है ना, जो वेस्ट होता है, वैसे तो उसको मैंने एक पन्नी में रखा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब गाय तो है, इधर देखी थी मैंने एक दो घूमते हुए, लेकिन अभी उसके लिए अलग से बाल्टी बनाऊंगी। कई चीज़ें अभी कुछ ख़रीदनी भी है चीज़ें, तो अभी एक दो दिन में तो समझ भी नहीं आ जाता, धीरे धीरे समझ में आता है। तो अभी जो भी इम्पोर्टेंट काम है पहले मैं वही करती हूँ। और नहा के मैं सबसे पहले यहाँ पे जला रही हूँ दिया। अभी मैंने मंदिर भी नहीं बनाया है, तो मैंने बस यहीं पे काम चलाऊँ, मैं अपने भगवान को यहीं पे पूछती हूँ। और अभी तो ज़्यादा समय ना अभी हाल फिलहाल मैं यहीं पे दिया जला रही हूँ। मुझे ना इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं, वैसे लटका माने तो मैंने पहले सब मैं बनाती हूँ रोटी और आगे के। अभी आज बहुत सारे काम है, आज इसको भी देखेंगे यहाँ बस के लिए नज़दीक है, और वाईफाई का भी देखना है, बहुत सारे काम है। अभी ना कल चाचा जी ने जो थोड़े बहुत फैन लगाए थे ना, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो चाचा जी भी वही कर रहे हैं। तो नाश्ता जब अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं तो मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटी, चाय पे मैंने रख दी है, तो चाचा पीते फीकी चाय। और अभी यहाँ पे मैंने पर्दा भी लगाना है, देखो सामने ना, मुझे ऐसी आदत नहीं है, तो मतलब थोड़ा होता है ना, मेहमान बैठे रहते हैं तो इधर नज़र पड़ती है किचन में, तो ये लंबा सा पर्दा लाना है यहाँ पे। तो अभी धीरे धीरे सब काम करूँगी, तो मतलब जब रहते हैं घर में तो तभी पता चलता है ना कि क्या क्या काम करना है, तो ज़्यादा समय मेरा किचन में चले जाता है। इम्पोर्टेंट काम है खाना पीना और आराम करना। और आजकल ना साफ़ सफाई तो जैसे ही गंदा होता है, जैसे सामान अनलोड करते तो वैसे ही चल रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोछा नहीं हो रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने चाचा के लिए फीकी चाय बनाई, मतलब उनको शुगर तो नहीं है लेकिन वो बिना मीठे की चाय पीते हैं, और सही भी है, हेल्थ के लिए ठीक होता है, मतलब सुस्ती भी नहीं आती है। वाइट शुगर से थोड़ा मुझे भी थोड़ा शुगर, मतलब इतनी ज़्यादा खास पसंद नहीं आती मीठी चाय, तो मैं भी लिमिटेड, मतलब काम चलने वाला मीठा होना चाहिए उसमें, पर चाय कड़क होनी चाहिए, तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो बस आजकल ना ऐसे ही काम चल रहे हैं, तो एक दिन में जितने पॉसिबल हैं काम, माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए करने की, जब गृहस्थी में होते हैं, और गृहस्थी में होते हैं तो काम अपने आप ही होते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के लिए ही तो हम बने हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें जो है हम पूरी करते हैं, सुख दुख में काम आते हैं, तो यही तो जीवन है, और इसी से जीवन जिया भी जाता है, और इसी का नाम दोस्तों ज़िंदगी है। तो नई गृहस्थी हो तो काम तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पर हिम्मत से सारे काम हो जाते हैं। और मैं नोटिस करती रहती हूँ, गिरीश जी भी नोटिस करते रहते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमको ज़रूरत है, और नया माहौल है वो भी देखना है, कहाँ पे क्या दुकान है क्या है। तो मुझे और गिरीश जी को आज स्कूल भी जाना है, तो माइंड में वो भी है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब है ना। तो आज स्कूल भी जाना है, तो मुझे भी देखना है, क्योंकि गिरीश जी तो ड्यूटी पे चले जाएंगे, तो उसका स्कूल देखने की भी मुझे बड़ी एक्साइटमेंट है। और किराए का घर है, तो हमने ना अन्नू का कार्तिकेय का स्कूल नज़दीक करके देखा कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो यहाँ पे से बहुत नज़दीक है उसका स्कूल। सबसे ज़्यादा मैं रिलैक्स ना इसी बात से हूँ कि उसका स्कूल यहाँ पे से नज़दीक है, वो साइकिल से भी आ जा सकता है, उसके पास साइकिल है, वहाँ भी वो कैंट में साइकिल से जाता था, बल्कि कैंट में ज़्यादा था थोड़ा, 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर थोड़ा कम है। तो उसकी सुविधा के अनुसार ही हमने ये रूम मतलब सेलेक्ट किया कि हाँ चलो नज़दीक है, और बाकी तो एडजस्टमेंट हो जाती है, कि जो भी कमी बेसी होती है वो सब हो जाती है पूरी। तो आज हमने उसके स्कूल में बन गई अभी चाय दोस्तों, और सबको मैंने नाश्ता करवा दिया, अब हम जा रहे हैं स्कूल। अब हम जरा कृष्ण ने करा अभी नाश्ता, हेलो ने कर दिया, हमने के पापा ने कर दिया, चाचा जी ने नहीं करा, क्योंकि चाचा जी करके आए थे ना काम पे जा रहे थे, तो इधर से उनका कुछ पड़ता है, तो इनसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो सॉर्ट आउट हो गई। तो बस अब मैं भी नाश्ता करती हूँ, फिर से रख देती हूँ दाल ना, उबल जाएगी राजमा की दाल। सो फाइनली अब आता है मेरा नंबर खाना खाने का, तो सबको खिलाने के बाद मज़ा आता है ना, जब सब खा लेते हैं परिवार में पेट भर के, तो एक जो अच्छी स्त्री होती है ना, उसका पेट तभी भरता है जब वो अपने परिवार को भर पेट खाना खिला देती है। तो लास्ट में चाहे, खैर मैं तो नहीं हूँ ऐसी, मैं बराबर बराबर हिसाब किताब करती हूँ, लेकिन कभी हो जाता है समटाइम ना कम ज़्यादा, तो ये कढ़ाई में जो लास्ट बचा रहता है ना, कौन कौन ऐसे करके निकालता है रोटी में, मैं तो निकालती हूँ। चलो दोस्तों आ जाओ प्याज और आलू की प्यारी सी सब्जी खाने। तो चलो दोस्तों आज मैं आपको दिखाती हूँ देहरादून का आर्मी स्कूल, यहाँ से पास है,
जहाज गया। आर्मी स्कूल कहाँ पे होगा? एक छोटा एक पड़ा है पास ही। हाँ यही वही है। उधर ले लो। तो जब कुछ चीज़ नहीं पता होती तो किसी से पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं होती है, तो आगे वाले की मर्ज़ी है कि वो सही तरीके से बताते नहीं बताते, लेकिन हमारा ईगो इस चीज़ में नहीं आना चाहिए, है ना। तो नई जगह में थोड़ा अलर्ट भी रहना पड़ता है और पूछने से कुछ नहीं जाता। तो ऐसे हम पूछते रहते अलवर में भी और यहाँ भी, तो पूछ पूछ के जान के सब चीज़ हो जाता है, बस थोड़ा नई जगह में अलर्ट भी रहना पड़ता है। और कई चीज़ें ना गूगल तो सही बता देता है, कभी कभी मतलब घूम फिर हो जाती है गूगल में भी, जैसे छोटी सी जगह में लंबा लंबा सा कोई सफ़र होता है तो उसमें तो ठीक बता देता है ना, तो ऐसे भी हो जाता है कभी गड़बड़ गूगल में। तो ये है क्लेमन टाउन, यहाँ पे ना बहुत सारे इधर उधर से घूमने के लिए आते हैं, और यहीं पे पास में एयरफोर्स का वो है कैंट बोले या कुछ, है ना। और ये है आर्मी स्कूल, इधर बुद्धा टेंपल भी है इधर। तो देहरादून तो मैं जब हमारे मतलब ये थे पहले तो यहाँ रहते थे ये, तो इनकी यूनिट रहती थी मतलब पहले, तो तब मैं आती थी शादी उस टाइम पे, तो हमारी नई नई शादी हुई थी तो ऐसे घूमने के लिए आती थी। फिर इनका फुटबॉल मैच भी हुआ था यहाँ फाइनल, जिसमें ये जीत गए थे, इनकी पूरी टीम जीत गई थी, तो तब मैं घूमने के लिए आती थी। तो मैं चप्पा चप्पा तो ज़्यादा तो नहीं घूमी हूँ, पर मेन मेन जगह मैं घूमी हुई हूँ यहाँ, मसूरी, कुल्लू मनाली, मतलब वाटरफॉल भी है यहाँ, लच्छीवाला, सहजधारा, गुच्छू पानी बोलते हैं ना, तो लास्ट ईयर भी आए थे हम लोग यहाँ, इसलिए मुझे यहाँ ना थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक तो उत्तराखंड की हूँ मैं, उत्तराखंड में ही है तो पूरा हरा भरा, और हाँ बस रहने के लिए पहली बार आ रही हूँ, पहला एक्सपीरियंस है। तो स्कूल में यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद, जो आर्मी रूल्स होते हैं उनको फॉलो करने के बाद यहाँ पे हम आ गए हैं एडमिशन करवाने के लिए। यहाँ पे ऑफिस में बात की और मैं थोड़ा घूमी इधर स्कूल में, ज़्यादा तो नहीं घूमी मैं, उसके बाद हमने यहाँ पे फॉर्म फिल किए, लेकिन ये अभी ना काम अधूरा है। तो यहाँ पे जो पुराना आर्मी स्कूल था उससे एक नंबर होता है वो मांगना होता है, तो वो फिल होगा अभी, उसके बाद आगे का काम होगा तो मैं बताऊंगी आपको कि किस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद हम आ गए और सब्जी वब्जी ली थोड़ी बहुत, और फिर घर में आके काम, जो सब्जी वब्जी ली है उसको धोना भी है। तो बस खाना बनाने के लिए लेट हो गया था, क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है, खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो खाना भी आधी दाल उबली हुई थी, आधी दाल मैंने किरिस को बोल दिया था थोड़ा इसमें सीटी मरवा देना, तो दाल उबल गई थी चावल, तब तक मैं ये काम कर रही थी जब तक दाल उबल रही थी और ज़्यादा, तो साथ साथ में सब काम हो रहे हैं। तो खाना भी ज़रूरी है, काम भी ज़रूरी है, जिस चीज़ का जो काम है बस वहाँ पे अटेंडेंस लगानी ज़रूरी होती है, और घर में खाना पीना तो चलता रहता है, और आजकल कमी बेसी हो जाए तो चलता रहता है, लेकिन जो ज़रूरी ज़रूरी काम है दोस्तों वो निपटाने तो ज़रूरी होते हैं ना। फिर गिरीश जी की छुट्टियाँ भी कम है, तो जितना पॉसिबल होता है वो भी पूरा पूरा करने की कोशिश करते हैं। हर हस्बैंड का मुझे लगता है कि एक जिम्मेदारी होती है कि अपने गृहस्थी के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरा काम करके वो ड्यूटी पर जाना चाहते हैं। सच में बहुत ही मैं इस चीज़ को मानती हूँ, और वाइफ्स भी पूरा घर को संभालती हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि ये सब हमारा ही कर्तव्य है, एक दूसरे की स्ट्रेंथ वर्कर दोनों काम कर रहे होते हैं जिम्मेदारी से, ऑनेस्टी से, तो यही तो प्यार है। बोलने वाले तो बोलते रहते हैं बहुत कुछ, मैंने देखा है फौजीज़ की वाइफ को, पर जो वाइफ्स अलग रहती हैं उनको भी बोलते रहते हैं, तो लेकिन उनको भी अपने काम से जाना होता है इधर उधर, तो बोलने वाले बोलते रहते हैं लेकिन अपने काम हमको करते रहने चाहिए। तो साथ साथ में मैंने कपड़े भी भिगा दिए थे, क्योंकि उतने दिन से मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे, ऐसे ही हर दिन कुछ ना कुछ काम हो जाता है, कुछ कैमरे में कैप्चर हो जाते, कुछ नहीं हो पाते। एग्जॉस्ट फैन भी ऊपर लगा हुआ है इसका, पर है तो पुराने वाले किचन में, तो वो भी नहीं था। और अभी मैंने ना ग्राइंडर नहीं खोला है, मतलब कई चीज़ें जो अभी खुली नहीं है, तो ये चौपर ना मेरे लास्ट टाइम तक क्लोज जब किचन हो गया था तब भी मेरा बहुत काम आया, तो ये चौपर बहुत काम का है भाई लेकिन कभी कभी अटक जाता है।
और शाम तो होने ही वाली है, लेकिन शाम को भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं हाथों हाथ सारे काम निपटाते चले जा रही हूँ ताकि शाम को कोई बर्डन न रहे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी, और बस दाल मैंने थाली में जो भी मिल रहा है आजकल वही सब चला रही हूँ, और सब्ज़ी मैंने धो ली है तो सब्ज़ी मैं रख रही हूँ फ्रिज में, और चावल मैंने रख दिए हैं चढ़ाने के लिए। जब तक वो काम हो रहा है तब तक मैं फ्रिज का, पहले तो मैंने ऐसे रख दिए थे लेकिन एक गंदा हो रहा था ना, मैंने कहा चलो इसमें भी हाथ मार दी, तो पहले आलस कर रही थी मैं, लेकिन मैंने कहा इसको साफ़ करके ही रखती हूँ सब्ज़ी, तो गंदा हो रहा था ये, तो डीप क्लीनिंग तो दूसरे दिन करूँगी। वैसे मैंने पहले कर दी थी ना जब मैं अलवर में थी, तो अब करूँगी धीरे धीरे सेटिंग। तो अभी हाल फिलहाल के लिए साफ करके मैंने सब्ज़ियाँ इसमें भर दी हैं, तो अभी मैं बनाऊँगी रायता। सब्जी का काम हो गया है, तो इतने सारे काम हो जाते हैं जिस दिन सब्जी लेके आओ, तो अभी ना सब्जी भी लेके नहीं आए, मतलब ये मोटा मोटा है, खीरा आलू प्याज टमाटर सब्जी तो आई नहीं है। तो बस पहले मैं बना रही हूँ रायता, और गिरीसी के तो काम चलते ही रहते हैं, मैं तो खाना बनाती रहती हूँ, मेरे काम रहता बाकी चटुर पुटुर, और उनके और भी बहुत सारे काम दिमाग में चल रहे होते हैं, खैर मेरे भी चल रहे होते, दोनों हस्बैंड वाइफ के अलग अलग काम होते हैं, अपने अपने तरीके से निपटाते रहते हैं। लेकिन मैं तो बहुत मानती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पिंग केयरिंग सभी हस्बैंड होते हैं, तो मैं भी पूरी पूरी कोशिश करती हूँ उनके साथ में साथ कदम मिलाने की, लेकिन उतना नहीं कर पाती हूँ। मेरी है ना तुम्हारी अलग है, तुम्हारी टीम अलग है। और गिरीश जी किसी काम से किसी से बात कर रहे थे फ़ोन में, तो तब तक ये लास्ट मिर्ची रह गई थी फ्रिज में रखने के लिए, तो मैंने रख दी है। तो बस फटाफट से अब मैं लगा रही हूँ सबके लिए लंच, बहुत लेट हो गया था आज भी, आजकल रोज़ हम ऐसे खाते 3:30-4 बजे, और ऐसे ही नीचे बैठ के पहले मैंने यहाँ पे पोछा मार दिया था, फिर यहाँ पे हम लोग खाएंगे बैठ के। और मुझे तो बहुत हंसी आती है अपने आप के ऊपर, मतलब सारी महिलाओं के ऊपर, कि जब तक मतलब उनका किचन वाइंड अप नहीं हो जाता, क्लीन नहीं कर लेते हर चीज़ को, तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। तो वह छोटी मोटी यहाँ पे मैं भी साफ़ कर रही हूँ ताकि बाद में साफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, खाना खाने के बाद आलस आ जाता है ना, तो बस आराम से अब हम भर पेट खाना खाएंगे दोस्तों, क्योंकि खाना पीना आराम करना सोना बहुत ज़रूरी है काम के साथ साथ, तभी तो आगे के लिए स्ट्रेंथ मिलती है, आगे के लिए हमको एनर्जी मिलती है, और साथ में बैठकर खाने का तो आनंद ही अलग होता है। और आज का एक इम्पोर्टेंट काम और था जिसको निपटाना था शाम को, अभी हम सरकारी क्वार्टर में रहते थे तो वहाँ तो सामान मिल जाता है, लेकिन हमने घर से भी डबल बेड ले जा रखा था मैंने अपना, तो वहाँ हमको एक चारपाई मिल गई थी, क्रिस उसमें सोता था, तो लेकिन एक छोटा सा पतला गद्दा भी था, लेकिन ना अब यहाँ आ गए रेंट पे तो एक गद्दा भी चाहिए बेड भी चाहिए, तो बेड का तो भी बाद में व्यवस्था करेंगे, तो आज हम व्यवस्था कर रहे हैं गद्दे की, तो गद्दा कैंटीन सो दगड़ियों हम ले जा रहे हैं गद्दा। तो मेरे बड़े बेटे के लिए आज हम ले जा रहे हैं ये गद्दा, कैंटीन नज़दीकी था तो मैं स्कूटी में ही ले आई, और थोड़ा बहुत यहाँ पे कैप्चर किया क्योंकि रोड ना अच्छी खाली हो रखी थी, तो कोई डर नहीं था, वरना तो अनसेफ है, ऐसे बना रहनी चाहिए। तो बस यहाँ पे हमने लिया ये गद्दा, और एक ही गद्दा था स्लीपवेल का, और अब हम दूसरे दिन करेंगे व्यवस्था बेड की, देखते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो एक दिन तो हमने चला दिया था, डबल बेड में ही सोए थे हम चारों के चारों, लेकिन आजकल गर्मियों का टाइम भी है ना,
और फिर अच्छा भी नहीं लगता है ऐसे काम चलाना, कब तक काम चलाना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो लेनी ही पड़ती हैं। और फिर बच्चों को भी ठीक लगता है, थोड़ा बड़ा बेटा है तो उसको भी अनकम्फर्टेबल लगता है, तो अभी तक तो चल रहा था तो वो भी बहुत हैप्पी हुए क्योंकि आज हमारे घर में आया स्लीप वेल का गद्दा, एक ही गद्दा बचा हुआ था उसके नाम का। ले भाई क्रिस जल्दी। और 4,000 तकरीबन ये पड़ा था। वैसे तो मार्केट में भी ऐसे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है प्राइस। और फिर जल्दी जल्दी में जो भी था हमने ये ले लिया, और घर आने के बाद जो मैंने बर्तन छोड़ दिए थे क्योंकि जल्दी में गए थे ना, तो फटाफट से पहले हाथों हाथ मैंने बर्तन साफ़ करे क्योंकि अभी बॉडी गर्म ही थी, मतलब वार्म अप हो गया था, आते जाते थोड़ी बॉडी होती है ना एक्टिव रहती है और बैठ जाओ तो फिर सुस्त हो जाते, तो मैंने कहा फटाफट हाथ लगा लेती हूँ नहीं तो ये बर्तन ऐसे ही रह जाएंगे। तो शाम का टाइम भी हो रहा था, फिर दिया बाती भी करनी थी, फिर आराम करूँगी, तो फिर मैंने कहा आराम ही हो जाएगा। तो ये लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और मैं अपना बर्तन क्लीन कर रही हूँ, किचन क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे काम हो जाते। और भी सामान लाना था कैंटीन से लेकिन गद्दे के चक्कर में नहीं लाए, तो ये लाई मैं शहद और ये काजल जो भी था। और बस उसके बाद थोड़ा सा मैंने आराम किया, देन उसके बाद हम फिर से शाम को निकल गए अपने भाई के घर पे जो लोकली यहीं पे रहते पास में ही, तो उन्होंने बोलता शाम को आ जाने, एक दिन पहले ही बोला भाई के घर पे। भाभी भाभी नमस्ते। और ये है मेरी जेठी का बेटा प्रदीप भाई, सो यहीं रहते हैं अब, तो इनसे मुलाकात होती रहेगी। तो बस पानी वानी चाय वाय पीने के बाद हम निकल गए और फिर हमने थोड़े से यहाँ पे फास्ट फूड खाए बहुत दिनों बाद, तो सम टाइम तो बनता है ना। तो बस ऐसा था दोस्तों आज का दिन जो आपके साथ मैंने शेयर करा। आई होप दोस्तों आपने वीडियो इन्जॉय किया होगा।